आगामी 7 मई को दुर्ग जिले में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। 7 मई 2024 को दुर्ग जिले में 2024 का लोकसभा मतदान संपन्न होने जा रहा है, जिसे लेकर सभी प्रशासनिक महकमा अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में दुर्ग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मुस्तैद नजर आ रहा है। शुक्रवार को देर शाम दुर्ग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्य प्रशासनिक महकमों के संयुक्त तत्वाधान में भिलाई शहर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च उन असामाजिक तत्वों के लिए चेतावनी है जो जाने अनजाने में ऐसे चुनाव के समय में असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देकर शहर व जिले की शांति भंग करना चाहते हैं। दुर्ग रेंज के आईजी ने ऐसे असामाजिक तत्वों को चेतावनी भी दी है कि वह ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़े। उधर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा किए गए फ्लैग मार्च से असामाजिक तत्वों, गुंडे, बदमाशों में खौफ की स्थिति बनी हुई है। नहीं, बिल्कुल, जैसा कि आता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आज यहाँ जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा एक यूनाइटेड फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें जिला बल, BSF, CF, इसके सभी अधिकारी कर्मचारीगण हैं और साथ में हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, कमिश्नर साहब हैं, हम हैं, कलेक्टर मैडम हैं, SP साहब हैं और जिले के वरिष्ठ प्रशासन के अधिकारी, ADM, एडिशनल SPs, CSPs, SDM सभी लोग उपस्थित हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि इससे जनता में एक सुरक्षा का वातावरण का एक मैसेज आएगा और साथ ही जो असामाजिक तत्व हैं उनके मन में एक डर का माहौल पैदा हो, ताकि जो लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक कराने का हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो। बिल्कुल, दुर्ग पुलिस, दुर्ग रेंज, हमारी पुलिस का ये मैसेज है कि असामाजिक तत्व अपनी गतिविधियाँ जो हैं उनको कंट्रोल करें, नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार की देर शाम हुए फ्लैग मार्च में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर, BSF और CISF के अधिकारी कर्मचारीगण, दुर्ग जिले के विभिन्न स्थानों के थाना प्रभारी सहित पूरा स्टाफ शामिल रहा और शहर सहित जिले को यह बता दिया कि 7 मई को होने वाला मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जाएगा। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।